जिस प्रकार की एक भाषा शैली का जो प्रयोग किया है, क्योंकि देखिए माननीय गणेश जोशी जी कैबिनेट मंत्री 2 बार के रह चुके हैं और बिल्कुल जमीनी से जुड़े हुए बिल्कुल नेता हैं, उनके लिए इस प्रकार की अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग करना, क्या ये हमारी जो राजनीतिक स्वच्छ गरिमा है कहीं ना कहीं उसको गिराता हुआ सा नजर प्रतीत होता है? तो कहीं ना कहीं भाषा शैली में मर्यादित भाषा मर्यादित आचरण का एक है जो प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम एक बड़े पद पर जब भी कोई राजनेता बैठते हैं तो उनकी भाषा शैली का जो अनुसरण है वो बहुत सारे जो है वो लोग करते हैं, उनको देखते हैं, और जब एक ये एक गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। तो इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग जो माननीय प्रीतम सिंह जी ने किया ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, और इसके लिए उनको भी उनके नेताओं को भी सोचना चाहिए कि कौन सी भाषा का कहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जहाँ तक ये इस संदर्भ में जिस संदर्भ में आपने ये बात करी है, बिल्कुल हम अपने जितने भी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हम सबका सम्मान करते हैं, और इसमें कोई अगर व्यक्तिगत किसी की निजी टिप्पणी हो सकती है उसमें बयानबाजी उसमें हम पार्टी का इसमें हम लोगों का जो है वो यही है कि हम लोग सम्मान करते हैं, और जो भाषा शैली है वो अच्छी जो एक एक राजनीतिक स्वच्छ भाषा का प्रयोग हर किसी नेता के लिए करना चाहिए। ठीक है शिषपाल जी, मधु जी कह रही हैं कि वो जो बयान है गणेश जोशी का वो इनका व्यक्तिगत बयान है, वो व्यक्तिगत टिप्पणी है, पार्टी का उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको आपत्ति है कि प्रीतम सिंह जी किस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए काजोल जी, ये तो बड़ी मजेदार बात कह दी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी ने, और मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि जो ये गणेश जोशी जी का बयान है ये राजनीतिक संदर्भ में शायद नहीं दिया गया है, ये उनका व्यक्तिगत उन्होंने इस प्रकार की जो टिप्पणी की है बहुत निचले स्तर की, अभद्र स्तर की, और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं उससे पल्ला झाड़ दिया। तो ये पूरा देश जानता है आदरणीय स्वर्गीय राहुल गांधी जी की शहादत के बारे में, लेकिन शिकायत ये भी है, शिकायत ये भी है शिषपाल जी, सुनिएगा सुनिएगा शिषपाल जी सुनिएगा माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी, एक मिनट सुनिएगा शिषपाल जी, शिकायत ये भी है कि आखिर इन सब बातों को इन सब मामलों को कब तक कितने सालों तक खींचा जाएगा? क्या सिर्फ ये राजनीति करने के लिए मामले, किसी की मौत या कोई हादसा या कोई शहादत उसको लेकर राजनीति क्यों होती है? हर बार हम देखते हैं कि इन पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है, बयानबाजी होती है। देखिए काजोल जी, बहुत शर्मनाक है, अफसोसजनक है कि देश के दो दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए जिन्होंने देश के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया, देश के लिए सेवा की, और जिस प्रकार से आतंकवाद की भेंट दोनों प्रधानमंत्री चढ़े पूरा दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, और आज भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के लिए और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए देश की जनता के मन में दिल में अपार स्नेह और प्रेम है। अगर इस प्रकार की बातें की जाएंगी तो पूरे देशवासियों की भावनाएं आहत होती है, और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि गणेश जोशी जी नहीं समझ सकते इस भावना, क्योंकि वो आर्मी से भागे हुए सिपाही हैं, और सेवा क्या होती है और ठीक है, मान लिया कि नहीं होना चाहिए, देश की भावनाएं बहुत लोग अभी भी पसंद करते हैं इंदिरा गांधी राजीव गांधी को, लेकिन जब आप भारत जोड़ो यात्रा का समापन कर रहे हैं तो इस बात का जिक्र क्यों आया? आप एक तरफ बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष करते हैं कि वो दर्द नहीं समझ सकते, वो दुख नहीं समझ सकते जो उन्होंने झेला है, ये तो सिर्फ वही बात हुई ना कि आपको इमोशन कार्ड खेलना है क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, फिर आप कहते हैं कि चुनाव से क्यों जोड़े जाते हैं। काजोल जी, आप अगर पहाड़ की उसको समझ सकते हैं तो ये कहेंगे कि जिसके बाप को रिक ने खाया हो ना, वो जो है ठुट को देख के भी डरता है। तो तमाम चीजें जो हादसा राहुल गांधी जी के साथ बचपन में हुआ, उनकी दादी की शहादत देश के लिए, उनके पिताजी की शहादत देश के लिए हुई, वो कैसे भूल जाएंगे उस चीज के लिए? वो जख्म उनके सीने में है, पूरे देश के सीने में है। तो अगर उन्होंने अपनी दादी को याद कर लिया, अपने पिताजी को याद कर लिया, तो ये कोई आप बताइए नहीं कर सकते क्या? वो डर तो उन लोगों के साथ भी है जो आतंकवादी हमले में जो अपनों को खोते हैं, पूरा देश रोता है। क्या उन पुलवामा हमले में जो हमारे इतने सारे जवान शहीद हुए उनके परिवार के साथ हमारा स्नेह नहीं है, वो दर्द नहीं है? नहीं नहीं काजोल जी, पूरे देश के शहीदों के प्रति हमारे मन में अगाध स्नेह और प्रेम है, और पूरे देश का कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं होगा
जिसे अपने शहीदों की शहादत पर फक्र ना हो और उनके परिजनों के प्रति देश का ऐसा कोई नागरिक होगा जिसकी संवेदनाएं ना हो, और ये तमाम चीजें हैं इस प्रकार की। और इस प्रकार की टिप्पणियां कैबिनेट स्तर का मंत्री अगर करेगा तो ये बहुत ही शर्मनाक है काजोल जी। ठीक है, तो भाषा शैली कैसे भी हो, जिनका भाषा शैली कैसे भी हो, उसे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीतम सिंह के बयान पर जो उन्होंने भाषा शैली का इस्तेमाल किया, क्या वो सही है? शिषपाल जी सही बताइएगा, क्या वो सही है? नहीं नहीं काजोल जी, एक बात बताइए, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का बयान किस स्तर का है? आप नहीं, मैं तो दोनों ही बयानों को गलत मानती हूँ। कैबिनेट जो बोला क्या वो सही है? काजोल जी जरा पूछिए, क्या जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग माननीय प्रीतम सिंह जी ने किया, क्या वो उचित है, क्या वो सही है? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई गणेश जोशी जी का बयान है ही कि इस लायक कि उसकी जितनी भी निंदा की जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी से भाषा का शिष्पाल जी, मधु जी, ठीक है, वापस उनके पास। अरे दर्शन जी, ये जो बहस चल रही है उत्तराखंड में, और क्या मुद्दे नहीं है? जो भाषा उत्तराखंड की जनता क्या पूरी तरह से खुशहाल है? ये क्या चाहता है? शिष्पाल जी क्या आप इसको क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक है, देखिए क्या क्या कहेंगे? वापस आ रही हूँ आप लोगों के पास, वापस आऊंगी, एक मिनट रुक जाइए। काजोल जी, काजी का भगोड़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भाषा शैली का इस्तेमाल सही तरीके से करिएगा इस चर्चा में प्लीज। शिषपाल जी, आई रिक्वेस्ट। नहीं काजोल जी, मैं गलत क्या कह रहा हूँ आप बताइए? आप रिक्वेस्ट कर रही है, आर्मी के भगोड़ा नहीं है गणेश जोशी जी, आप बताइए? आर्मी में उन्होंने पूरी सेवाएं दी, क्या तो उस पर बात क्यों कर रहे हैं? तो शहादत का बात राहुल गांधी की हो रही है, जो शक्तिमान घोड़े को, बात राहुल गांधी की हो रही है, गणेश जोशी के पर्सनल घोड़े को पर्सनल कमेंट जिस पर नहीं हो रही है। भाषा शैली प्रयोग माननीय प्रीतम सिंह जी ने क्या क्या उचित है, ठीक है, मधु जी, ठीक है, थोड़ा सा समय, ठीक है। दर्शन जी, ये जो बहस चल रही है राहुल गांधी पर कि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा समापन के दौरान जो बात कही अपनी दादी और अपने पिता को लेकर, इस पर चर्चा हो रही है। गणेश जोशी बयान देते हैं कि ये हादसा हो सकता है, ये कोई शहादत नहीं है। इसको लेकर प्रीतम सिंह जी भाषा शैली को ध्यान में रखकर कुछ भी अनर्गनर बोलते हैं। क्या वाकई इस पर चर्चा होनी चाहिए? वाकई यही मुद्दे हैं जिस पर इतनी राजनीति हो रही है उत्तराखंड में? क्या उत्तराखंड में और मुद्दे नहीं बचे? देखिए किस प्रकार से हमारी आदित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर उनके प्रवक्ता उनको उनके लिए ये भी नहीं कह रहे कि नहीं हम निंदा करते हैं इस प्रकार की जो शब्दावली थी, तो फिर उसको कहीं कहते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है दर्शन जी, काजोल जी, जी जी काजोल जी, धन्यवाद आपने मुझे समय दिया। देखिए ऐसा है कि हमारे देश में कई शहादतें हुई है, चाहे वो सीमा पर हमारे जो जवान शहीद हुए हैं और चाहे नेताओं की शहादत हो, इन शहादतों से और इन बलिदानों से ही ये देश बना है, इस देश आगे बढ़ा है। और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के प्रति, और ठीक है देखो सत्ता आएगी जाएगी, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस थी, फिर वापस कोई आम आदमी पार्टी आ जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो योगदान और जो बलिदान है, चाहे वो नेताओं का भी क्यों ना हो, उसे हमें बिल्कुल हमें याद रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने। देखिए इन मामलों को राजनीति के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इस्तेमाल क्या और मुद्दे नहीं है राजनीति करने के लिए? उसमें उनका सम्मान होना जरूरी है। मैं ये मानता हूँ कि गणेश जोशी जी की भाषा थी बिल्कुल बहुत ही छोटे स्तर की भाषा थी, एक कैबिनेट मंत्री के मुंह से ये शब्द बहुत ही, और मैं तो ये कहता हूं कि भले ठीक है आज कैबिनेट मंत्री है, ये दुर्भाग्य कह लीजिए उत्तराखंड का या सौभाग्य कह लीजिए, उन्हें तो ठीक से हिंदी बोलनी तक नहीं आती है, वो आज कैबिनेट मंत्री है। आप देखिए इसी बयान में, देखिए आप ध्यान से सुनिए जरा ये बयान, आपको इसमें हंसी आएगी जब आप इनका एक बयान सुनेंगे, एक शब्द देखो इसमें जो उनको बोलना नहीं आ रहा है। और पहले में मैंने कई बार नोटिस किया है कि उनको हिंदी कि जो कैबिनेट मंत्री है वो पढ़े लिखे नहीं है, आप ये कह रहे हैं चाहिए।
कि जो है उनका कोई बलिदान नहीं है। देखो ये इस बात को कैसे भूल सकते हैं, कुछ भी हो, देखिए मैं भी इनके ओपोजिशन में, हम भी इनके प्रति रोज हम इनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, इनके भ्रष्टाचार पर बात करते हैं कांग्रेस के, करते आए, लेकिन मतलब जो भाषा की मर्यादा है वो रखनी चाहिए। और मैं साथ में ये भी कहता हूँ, जो प्रीतम सिंह जी ने जो कहा वो कहीं और भी ज्यादा उससे भी छोटे स्तर की बात कह दी, जो गुंडा मौली, तो इसमें ये शब्द जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, गुंडा मौली वाले यहाँ पे कोई सवाल नहीं था। हाँ ये कह सकते जो मैंने कहा ये गलत नहीं है, कि उनको बोलना भी ठीक से नहीं आता, ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये कोई उनकी तौहीन नहीं है, ये प्रमाण है।